हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों आज मैं फेसबुक पर था, थोड़ा कुछ सर्च कर रहा था। वहाँ पर मेरे को एक वीडियो क्लिप मिली मिशन अंबेडकर के एक पेज है, फेसबुक पर अकाउंट है, और उसमें एक दलित समाज के एक महान वक्ता और नेता श्री वामन मेसराम जी कह रहे हैं कि श्री राम जी एक काल्पनिक पात्र थे। तो यह मनगढ़ंत है, ठीक है ना। मैं मेसराम जी से पूछना चाहता हूँ, श्री मेसराम जी, वामन मेसराम जी, और वो पंडितों को आह्वान कर रहे हैं कि भाई उनको मैं चैलेंज करता हूँ। मेरे को एक बात बताइए कि श्री राम जी का महिमा मंडन, या हनुमान का या लक्ष्मण का, किस ग्रंथ के अंदर है हिंदुओं के, आपके मुताबिक? मेरे हिसाब से रामायण में। और रामायण के रचयिता कौन थे, लिखने वाले कौन थे? चूंकि आप तो उनको काल्पनिक मान रहे हैं, यानी कि वो एक कहानी थी, एक कहानी है, एक उपन्यास है जो श्री वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, जिनमें विभिन्न पात्र थे। उनमें राम, रावण, लक्ष्मण, शत्रुघ्न हैं, राजा दशरथ, जनकपुरी, सीता, सब सब चीज़ें थीं, है ना, श्रीलंका, है ना, चित्रकूट, ये सब एक काल्पनिक जगह थीं, उन्होंने नाम लिखा। आप ब्राह्मणों को चेतावनी दे रहे हैं। तो मेसराम जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि उस रामायण को किस जाति के व्यक्ति ने लिखा? मेरे ख्याल से वो शूद्र थे, और शूद्र का मतलब दलित, वो महर्षि वाल्मीकि थे। और स्वर्ण जाति ने उस एक उपन्यास को एक ग्रंथ की मान्यता दे दी हिंदू समाज ने, ठीक है। और जो उसके अंदर पात्र थे, जो अच्छे पात्र थे, उनको भगवान का दर्जा दिया, और जो गलत चरित्र के पात्र थे उनको राक्षसों का, ठीक। तो जो हिंदू समाज है, और हिंदू समाज में उसको उनको भगवान का दर्जा दिया, यानी कि महर्षि वाल्मीकि के पात्रों को भगवान बना दिया। परंतु दलित समाज क्या कर रहा है आज उन पात्रों के साथ में? उन पर थूक रहा है, जूते मार रहा है। तो अपमान किसका हो रहा है, उन पात्रों का, या जिसने इस महान ग्रंथ या इस उपन्यास को लिखा, उसके मुंह पर? यह आप सोचिएगा। श्री मेसराम जी, आपने तो अपने ही समाज के व्यक्ति के मुंह पर थूक दिया है, मेरा यह कहना है। क्योंकि वाल्मीकि जी स्वर्ण तो थे नहीं, सम्मान जानते हैं, तो आपने थूका किसके मुंह पर? वाल्मीकि के, पंडितों के। क्योंकि जो रचना मैं लिखूंगा, उसके अंदर जो मैं काल्पनिक चीजें लिखूंगा, बनाऊंगा, लिखूंगा, कोई उपन्यास लिखूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना, किसी और की तो नहीं। परंतु पंडितों ने तो उनके पात्रों को भगवान और राक्षस बना दिया, इतना महान उनको बना दिया, और वाल्मीकि जी को महर्षि, ठीक है। आप बामन ना होकर वामन हो गए और मेसराम बन गए, ठीक है। तो आप उनको चेतावनी दे रहे हैं। मेरा आपसे केवल इतना प्रश्न है कि रामायण को लिखने वाला कौन व्यक्ति था, ये बता दें, स्पष्ट कर दें। उसके अंदर जो पात्र लिखे, वो किसी ब्राह्मण ने लिखे थे या महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखे थे? और उन पात्रों को भगवान का रूप किसने दे दिया, ये बता दीजिए। और उसके उन पात्रों के मुंह पर किसने थूका, ये भी बता दीजिए। और वो उन पात्रों के मुंह पर थूका गया या महर्षि वाल्मीकि जी के मुंह पर थूका गया? और महर्षि वाल्मीकि जी किस समाज के थे, क्या वो स्वर्ण समाज के थे या दलित समाज के थे, ये बता दीजिए। एक राखी हैं, राखी रावण, कमाल है। वो बोलती हैं कि रावण जो है वो बौद्ध धर्म का था। अब उस राखी रावण से कोई पूछने वाला हो कि शिवजी
और रावण शिव जी को पूजता था, और रावण कब पैदा हुआ था? महात्मा बुद्ध तो खुद अभी पैदा हुए थे। ठीक है, तो 700-800 साल पहले महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे, और रावण तो कई हजार साल पहले पैदा हुआ था। और बौद्ध धर्म की स्थापना मेरे ख्याल से बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने ही की थी, वो भी एक स्वर्ण थे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो वो बोलती है कि रावण बौद्ध धर्म का राजा था, तो उस टाइम तो बौद्ध धर्म था ही नहीं। मैडम राखी, रावण किन इन भाइयों को क्यों भ्रमित करके तुम पैसा कमा रहे हो, क्यों लूट रहे हो इनको? एक और हमारी नेत्री हैं, मैडम मायावती, एक टूटी फुड़की सी एक बाइक होती थी इनके पास में जब कैराना से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आज उनके जूते भी चार्टर्ड प्लेन मारते हैं, दलितों को लूट लूट करके अपना घर भर लिया इन्होंने, और बोलते हैं हम दलित समाज के नेता हैं। मैं मानता हूँ भीमराव अंबेडकर जी जितना योगदान इस समाज को उठाने में किसी का नहीं है, चाहे कोई भी नेता आपके समाज से पैदा हुआ हो, ना बाबू जगजीवन राम और ना मायावती जी और ना काशीराम जी का। दोस्तों आप मत भूलिए कि अगर पंडित जाति से हैं, वो मदन मोहन मालवीय वो नहीं होते तो जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री नहीं होते, और गायकवाड़ नहीं होते तो काशी ये जो बाबा साहब अंबेडकर साहब हैं ये इतना नहीं पढ़ पाते। और अगर विनोबा भावे नहीं होते जो जाति से पंडित थे, तो आपको 40 लाख एकड़ जमीन दिलाने वाला कोई दलित नहीं होता। और ये तीनों ही व्यक्तियों के पीछे 3 स्वर्ण हैं। आप लगे हैं गाली देने के लिए, और इन 3 स्वर्णों में से भी 2 ब्राह्मण हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय और श्री विनोबा भावे जी। थैंक यू एंड बाय बाय। सोचिएगा कि आप किसके मुंह पर थूक कर चप्पल मार रहे हैं, वाल्मीकि जी के या हनुमान के? मेरे को लगता है आप लोगों ने हनुमान के मुंह पर नहीं थूका है। हिंदुओं ने तो हनुमान के उनके रचित एक पात्र को भगवान बना दिया, और आपने उस पात्र के ऊपर थूका, जूते मारे, तो आपने वाल्मीकि जी के यानी कि अपने समाज के व्यक्ति के मुंह पर थूका है, और उसके मुंह पर चप्पलें और जूते मारे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।